ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। दृष्ट्वात्मानं प्रवयस मेघदा वन्यात्मवान् आत्मना पतिताशेष स्वानुसर्गः प्रजापतिः। जगतस्तस्तुख जगतस्तस्तु सहसापि वृत्तिदो धर्मं भृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थं इह जज्ञवान्। आत्मजेष्वात्मजां निश्य विरहाद्रुदतीमिव प्रजासु विमनस्वेकः सदा रोगा तपोवनं तत्राप्यदाम्भनियमो वैखानसुसम्मते। आरब्ध उग्र तपसि यथा स्वविजये पुरा कन्दमूल फलाहार शुष्कपर्णासन क्वचित् अभक्ष्य कतिचित् पक्षान् वायुभक्षस्ततः परं। ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो वर्षा स्वासारसाण मुनेः आकण्ठमग्नः शिशिर उदके स्थण्डिलेशयः। तितिक्षुरी यत वाग्दान्त उधरेता जिता निलः आरिराधयिषु कृष्ण मचर तप उत्तमं तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मा मलाशयः। प्राणायामै समनिरुद्ध षड्वर्ग छिन्न बन्धनः। सनत्कुमारो भगवान् यदाहाध्यात्मिकं परं योगं तेनैव पुरुष मभजत पुरुषर्षभः। भगवद्धर्मिणः साधो सदया यतता सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्यनन्य विषया भवतु। तस्या नया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्त्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमदभुन्निशितेन येन चिछेद संशयपदं निजजीवकोशं छिन्नान्यधीरधिगतात् मगतिर्निरीह त्यजे छिन्नदिदं वैविनेन येन तावन्नयोगगतिभिर्यतिर प्रमतो यावद्गदाग्रजकथासुरतिं न कुर्याद् एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढं काले तत्याज्य स्वं कलेवरं संपीड्य पायुं पाष्णीभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठे स्वस्थाप्य निर्दुरः कण्ठशीर्षणे उत्सर्पयं स्तुतं मूर्नि क्रमेण वेश निष्पृह वायुं वायोः चितौ कायं तेजस्तेजस्ययुः युजत। खान्याकाशे द्रवं त्वये यथास्थानं विभागश चिति क्षितिमं वसि क्षितिमं वसि तत्तेज स्यदो वायो नभस्यमुं। इन्द्रियेषु मनस्थानि तन्मात्रेषु यथोद्भवं भूतादिना मुन्युत्क्षिप्य महत्यात्मनिशं दधे। तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये निधात् तं चानुशयमात्मास्थ मसावनुशयी पुमान् ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थो जहात् प्रभोः। अर्चिर्नाम महाराज्ञी तत्पत्नी अनुगतावनं सुकुमार्य तदर्हा च यत्पदभ्यां स्पर्शनं भुवः। अतीव भर्तुर्व्रत धर्म निश्चया अतीव भर्तुर्व्रत धर्म निश्चया शुश्रूषयाचार स देहयात्रया नाविन्दतार्तिं परिकर्षिता पिशा प्रेयस्कर स्पर्शन मानव निर्वृतिः। देहं विपन्ना अखिल चेतनाधिगं पत्युः पृथिव्या दयितस्य चात्मनः। आलक्ष्य किञ्चिच्च विलभ्य सा सति चितामथारोपय ददृशा नुनि। विधाय कृत्यं हृदि निजलापृता दत्तोदकं भर्तुरुदारकर्मणः। नत्वा दिविस्थां स्थितसां स्त्री परित्य विवेश वह्निं ध्यायति भर्तृपादौ। विलोक्यानुगतां साधु पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुपुरवरदा देवे देवपत्न्यः सहस्रशः। उर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसा नुने न दत्स्वमरतुर्येषु न दत्स्वमरतुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परं देव्य ऊचुः। अहो इयं वधूर्धन्या या चैवं भुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव। सैषा नूनं व्रजत्यूर्ध मनोवैन्यं पतिं सति पश्यतास्मान् तीर्त्याचिर् दुर्विभावेन कर्मणा।
तेषां दुरापं किं त्वन्यन् मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत सवञ्चितो बतात्मध्रुग सवञ्चितो बतात्मध्रुग कृष्णेन महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसर्जते मैत्रेयोवाच स्तुवति स्वमरास्त्रीषु पतिलोकं गतावधो यं वा आत्मविदां धूर्यो वन्यः प्रापाच्युताशयः इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुः स भगवत्तम कीर्ति तस्य चरित मुद्दाम चरित ते यदम सुमहत्पुण्यम सदया बहित पठेत श्रावे शृणुयाद्वा स्वृथो पदभीमियात ब्राह्मणो ब्रह्म वरचस्वी राजन्यो जगति पति वैश्य पठन विट वैश्य पठन विटपति सैत् क्षुद्र सत्तमतामियात त्रिकृत इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवा धृता अप्रजा सुप्रजातमो निर्धनो धनवतमः अस्पष्ट कीर्तिः सुयसा मूर्खो भवति पण्डितः इदं स्वस्थ्यनं पुंसा मंगलनिवारणं धन्यं यशस्य मायुष्यं स्वर्गं कलिमलापहं धर्मार्थकामोक्षाणां सम्यक् सिद्धिमभिशुभिः श्रद्धये तदनु श्राव्यं चतुर्णां कारणं परं विजयाभिमुखो राजा श्रुतये तदभियातियान् बलिं तस्मै हरन् त्यग्रे राजा न पृथ्वे यथा मुक्तान्यसङ्गो भगवान् त्यमलां भक्तिमुद्वहन् वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयात् पठेत् शृणुयात् श्रावयत् पठेत् वैचित्र वीर्याभिहितं महन्माहात्म्यशोचकं वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यशोचकम् अस्मिन् कृतम् अतिरमत्यः पार्थिवीं गतिमाप्नुयात् अनुदिनमिदमादरेण शृणुन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धुपोतपादे सचनिपुणां लभते रतिं मनुष्यः इति श्रीमद्भागवतं प्राणचतुष्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि गोविन्द दामोदर माधवेति यप्राकृतैर्ज्ञानपथे जनान यथाशयं देहगतो विभाति यथा नीलपार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम् जयति जगति मायां यस्य कायाः धवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिबपरसुखहेतो द्वादशस्कन्धसारं पिबपरसुखहेतो द्वादशस्कन्धसारं बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीधर स्वामी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय पशुपतिनाथ भगवान की जय काशी विश्वेश्वर भगवान की जय गुहेश्वरी माता की जय अन्नपूर्णा माता की जय दक्षिण काली माता की जय मालिका देवी की जय रेणा देवी भगवती की जय 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 श्री राधे श्याम ओम हर 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 महादेव चिरमिह वृजिनादस्तप्यमानोन्नुतापै रवित्रिषडमित्रो लब्धशान्तिः कथञ्चित् शरणदसमुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् न भयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश न भयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश